सीपीआई कायदीन की जानिब से के नारायणा ने कहा है कि तमिलनाडु में लोगों ने बीजेपी को मुंतखब नहीं किया, लेकिन बीजेपी गवर्नर के जरिए तमिलनाडु पर हुकूमत करने की कोशिश कर रही। उन्होंने कहा कि तुम्हारे हर कदम पर तमिल सकाफत की तौहीन हो रही। इसके अलावा वाईसीपी हुकूमत के नुमाइंदे जो मोदी हुकूमत को मुसलसल मजबूत कर रहे, सुपरस्टार रजनीकांत के बारे में तौहीन आमेज बातें कर रहे, रोजगारों जो कि एक फनकार और वजीर भी हैं, उन्होंने न सिर्फ अपने सियासी मुस्तक बिल्कुल खतरे में डाल दिया बल्कि इंतहाई काबिल एहतराम लोगों के लिए स्कैंडल भी लाए। ये बादशाह के लिए अच्छा है कि वो रजनी जैसे गैर मशरूत अवामी माफी मांगे। ये अफसोसनाक है, वजीर आला ने रजनीकांत की तौहीन करने वालों को मशवरा तक नहीं दिया। मोदी हटाओ देश बचाओ इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने इंतखाबी मुहिम में सीपीआई कायदीन ने हिस्सा लिया और वो चेन्नई भी आए थे। जीएचएमसी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी ने यकीन दिलाया है कि वो ब्लाइंड फुटबॉल गेम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को अपना टाउन फराहम करेंगी। बरतानिया में मुनाकिद होने वाले एशिया वर्ल्ड ब्लाइंड फुटबॉल मुकाबले के लिए मुंतखब होने वाले नागा ज्ञानी और कौमी मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले अखिलेश के खानदान से और उनसे मुलाकात की और उनको डिप्टी मेयर ने बीआरएस लेबर डिपार्टमेंट के सदर मुत्ते शोभन रेड्डी के हमरा मुबारकबाद भी पेश की। रियासती वजीर के टी रामाराव ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की फिरका परस्ती पर मबनी सियासत और बेतहाशा करप्शन पर उसे निशाना तनकीद बनाते हुए उस एतमाद का इजहार किया कि जाफरानी जमात को आइंदा इंतखाबात में बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कर्नाटक इंतखाबात में कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में ये तयखुन दिए जाने के बाद कि बजरंग दल पर इम्तना आयद किया जाएगा। बीजेपी ने बतौर एहतजाज हनुमान चालीसा का जाप करने की मुहिम शुरू की। बीजेपी की मरकजी वजीर शोभा करंदला अजय के कर्नाटक में हनुमान चालीसा के एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने पर सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर ने ट्वीट किया, 5 साल की डबल इंजन की हुकूमत और कारकर्दगी के नाम पर कुछ नहीं, जहनी तौर पर दिवालिया और शर्मनाक तौर पर बदउनवान बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने प्रियंका गांधी को तोहफा देने के लिए पोचमपल्ली की साड़ियां खरीदी। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का हफ्ते को यदाद्री भोंगिर जिले के पोचमपल्ली मंडल मरकज में बुनकरों के साथ पीपल्स मार्च पदयात्रा के एक हिस्से के तौर पर मुलाकात कर रहे थे। भट्टी विक्रमार्का ने हैंडलूम वर्कर से बात की और उनके मसाइल से आगाही हासिल की। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने बीआरएस इंतजामिया के तहत नौकरानी को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी और मुराद के बारे में दरियाफ्त किया। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने हैंडलूम वर्कर्स के अल्फाज सुनकर हैरान रह गए, जिन्होंने अपने गम व गुस्से का इजहार किया। बालिया नायक नायब सदर नेशनल आदिवासी सेल ने कहा है कि मैंने कर्नाटक इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और कर्नाटक इंतखाबात में कांग्रेस की जीत यकीनी है। उन्होंने कहा है कि तमाम सर्वे कांग्रेस के हक में आ रहे। उन्होंने कहा है कि मैं हल्के हवेली का इंचार्ज था और इंतखाबी मुहिम भी चलाई और कहा कि अमित शाह और मोदी ने 2 बार मुलाकात की मनसूबाबंदी की थी, लेकिन उसे फिर उन्होंने मनसूख कर दिया। तेलंगाना के कई कायदीन ने कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक इंतखाबी मुहिम के चंद घंटों के अंदर तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम शुरू हो जाएगी। प्रियंका गांधी हैदराबाद आएंगी, तेलंगाना में भी कांग्रेस का इख्तदार में आना यकीनी है। कहा जाता है कि बीजेपी सिर्फ इस मीडिया में जीत पाएगी जो मोदी के हक में बात करते हैं। एक लड़का वीडियो इंस्टाग्राम रील्स रेलवे पटरियों पर कटते हुए एक तेज रफ्तार ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गया। पुलिस ने लड़के की शनाख्त मोहम्मद सरफराज मदरसे के तालिब इल्म की हैसियत से की है। वो श्रीरामनगर रहमत नगर का साकिन बताया गया है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब के मोहम्मद सरफराज सोशल मीडिया पर सरगर्म अपने 2 दोस्तों के साथ रेलवे पटरियों पर इंस्टाग्राम रील्स ले रहा था। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस हैदराबाद के मुताबिक लड़का सरफराज के दोस्त करीब ही तेज रफ्तार ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गए। रेलवे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लाश को बागर्स पोस्टमार्टम मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। रेलवे पुलिस मसरूफ तहकीकात है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं।
इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजाद 100% लाभम गारंटी तो पाटू। కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజామ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కారణాలు ఉన్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।